हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीक्षिता किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज के बसे हुए छिलके से टूटी फूटी। रियल में ये कच्चे पपीते से बनती है, लेकिन आज हम तरबूज के छिलके से बनाएंगे, जिसे हम फालूदा है, शेक है, केक्स बनाने में यूज में लेते हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आइए बनाते हैं टूटी फूटी। हम सब तरबूज के छिलके को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे इससे टूटी फूटी। तो चलिए आइए बनाते हैं। इसका जो रेड वाला पार्ट है, इसको अपन को निकाल देना है, रेड वाला भाग नहीं रखना है। इसके छोटे पार्ट करेंगे और उसको छोटा छोटा काटेंगे, इस तरह से चीरा लगाएंगे। इसको सौरस आकार में काटना है, थोड़ा छोटे छोटे बाइट्स में, इसी तरह से। अब इसको अंदर वाले भाग को निकाल लेंगे और पीछे वाला जो हार्ड भाग है उसको फेंक देंगे। देखिए, इसी तरह हमने सभी को काट के इसके छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब गैस के फ्लेम को करेंगे ऑन, उस पर रखेंगे एक पतीले में पानी। पानी में अच्छा बॉयल आए तब जो तरबूज के जो टुकड़े काटे हैं उनको अंदर डाल देंगे। बॉयल आ गया है, चलिए इसमें डालते हैं अपने जो कट किया था वो। पानी में एक अच्छा सा बॉईल आएगा तब ये पक जाएंगे। फिर भी इनको 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि अपनी सासनी होगी उसमें भी ये पकेंगे, सासनी को एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये हल्के से ट्रांसपेरेंट दिखे तब तक इनको पका के गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। देखिए, हल्के से अभी ट्रांसपेरेंट दिखने शुरू हो गए हैं, तो अपन गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ, इनका पानी निकाल देते हैं। एक पतीला लेंगे, उसमें लेंगे 3 कप जितना पानी। मेरी टूटी फूटी कम है, इसकी मात्रा भी मैं वैसे ही कम रख रहा हूँ चाशनी की। 1 कप डालेंगे चीनी। आपकी जितनी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप चाशनी को बना सकते हो। चीनी को आप अच्छे से मेल्ट करना है, इसको थोड़ा सा हिलाते रहिएगा, क्योंकि ये नीचे से चिपक नहीं जाए। देखिए, चीनी अपनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे जो अपन ने टुकड़ों को बॉईल किया था। इनको हमें अच्छे से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, जब तक ये चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर ले अंदर, इसमें मिठास आ जाएगी। देखिए, एकदम ये पक चुके हैं, चीनी भी अब्जॉर्ब कर ली है। तो गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और इनको एक बाउल में, अलग अलग बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने 4 बाउल लिए हैं, जो तरबूज को अपन ने चाशनी में बॉईल किया उनको अलग अलग पार्ट में चाशनी के साथ डाल देंगे। आपको जो कलर ज़्यादा रखना है उसमें आप ज़्यादा मात्रा में डालिए, लेकिन मैं सभी में समान मात्रा में डाल रहा हूँ। मुझे 4 कलर में बनानी है, आप चाहो तो जितने भी कलर में बनाना चाहते हो उतने कलर में आप अलग अलग बाउल में डाल सकते हो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसमें ऐड करेंगे रेड कलर। आप चाहो अपने मनपसंद के कोई भी कलर, लाइट डार्क यूज़ कर सकते हो, मैंने इसमें रेड किया है। इसमें डालेंगे ऑरेंज कलर, तो दिखने में सेम लग रहा होगा लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। अब ऐड करेंगे ग्रीन कलर, आप लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हो कलर को, ये खाने वाले कलर हैं। अब इसमें यूज़ करेंगे लेमन वाला कलर, एकदम येलो कलर है लेकिन लाइट कलर है। अब इनको रखेंगे ऐसे 2 घंटे के लिए कलर एब्जॉर्ब करने के लिए। कलर को एब्जॉर्ब करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब इनको अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चाशनी वाला कलर प्रूफ पानी है, उसको साइड में रखेंगे। सभी कलर को अपने को अलग अलग बाउल में ले लेना है। अब हम एक ट्रे लेंगे, इस पर सिल्वर फॉल लगाएंगे। आप चाहो तो कोई भी प्लेट वगैरह ले सकते हो। इसमें सभी को अलग अलग पार्ट में खुले खुले रखने हैं, चिपके नहीं ऐसे, लेकिन सबकी एक लाइनिंग कर देनी है अलग अलग सीधी तरह की। मैं कर रहा हूँ ऐसे कि ऐसे।
इसे सूखने में आसानी रहेगी इनकी। देखिए इन्होंने कितने अच्छे से कलर को एब्जॉर्ब किया है, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको हम एक दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए रखेंगे, अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तब तक इनको सुखाना है। जो बचा हुआ जो पानी था उसको हम शरबत बनाने के में यूज़ में लेंगे। देखिए मेरी फ्रूटी फ्रूटी बन के एकदम रेडी है और ये सूख के एकदम कितनी अच्छी रेडी हुई है, देखने में और कितनी लाजवाब लग रही है, तो आप भी घर पे ज़रूर बनाइएगा। दोस्तों कैसी लगी मेरी टूटी फूटी की रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।